हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें आईपीओस की और देखेंगे आज सभी आईपीओ के अंदर क्या गिरे मार्केट। पीएम चल रहा है आज 21 सितंबर 2023 और बात करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ की, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की, साई सिल्क कला मंदिर आईपीओ की और साथ साथ में जयगल प्रीपेड सर्विस आईपीओ की। चारों आईपीओ के अंदर देखेंगे आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और किसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम पे हम आपको आईपीओ गेन हो सके। ये सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। हेलो दोस्तों, बात कर रहे हैं साई सिल्क कला मंदिर लिमिटेड आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। लाइव स्टेटस क्या है वो देख लेते हैं। पहले डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या आज के डेट में इसके अंदर क्या कितना सब्सक्रिप्शन आया हुआ है। बात करेंगे इसके अंदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल की, तो अभी तक इसके अंदर जीरो टाइम ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। करीब करीब अमाउंट भी 20 लाख तक का आ चुका है। अक्सर वीडियो में बताता हूँ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल आखिरी दिन यानी तीसरे दिन देखने को मिलता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 4% इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया है। अमाउंट भी 6 करोड़ 45 लाख का लग चुका है। जो अबव 10 लाख थे, जो बिलो 10 लाख थे, वो भी इसके अंदर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और करीब करीब 6% और 2% तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। बात करेंगे रिटेल की, हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी करीब करीब इसके अंदर 12% तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। देखा है तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम आजकल मेन बोर्ड में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ज़्यादातर रुझान एसएमई आईपीओ में देखने को मिला। बात करेंगे अमाउंट की, 32 करोड़ तक का अमाउंट भी लग चुका है। ओवरऑल अगर फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो 7% ही सब्सक्रिप्शन आया और अमाउंट भी 59 करोड़ तक का अमाउंट लग चुका है। चलो आईपीओ की और क्या अपडेट है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक भी कर साइज़ कला मंदिर लिमिटेड आईपीओ की डे बाय डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज 21 सितंबर 2023 और अभी तक इसके अंदर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है, आईपीओ की प्राइस जो है 222 रुपये आईपीओ की प्राइस है और उसके ऊपर देखा है तो करीब करीब 236 रुपये आज के डेट में ट्रेड करें, यानी करीब करीब 14 रुपये इसके अंदर आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। कल 3% पे था और आज देखा जाए तो करीब करीब 6% पे इसके अंदर हमको ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिला। उम्मीद की जा रही है इस आईपीओ के अंदर हमको 15 से 20% की प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसा भी रुझान रहा है डे बाय डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते करें। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देख लेते हैं इसका लाइव स्टेटस क्या है और आज के डेट में इसके अंदर क्या गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो भी देख लेंगे। बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो इस आईपीओ के अंदर भी आज सेकंड डे है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल अभी तक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि आखिरी दिन और तीसरे दिन देखने को मिलता है और अमाउंट भी 30 करोड़ तक का अमाउंट आ चुका है, 30 लाख तक का अमाउंट आ चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर से बारे में बात करते हैं तो करीब करीब ये सब्सक्रिप्शन में 1 से 2 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है और सबसे ज़्यादा अमाउंट ही नॉन इंस्टीट्यूशनल का लगा हुआ, करीब करीब 164 करोड़ तक का अमाउंट आ चुका है। इसके अंदर भी जो अबाउ 10 लाख है वो 2% 2 टाइम तक आ चुका है, जो बिलो 10 लाख है वो करीब करीब 45% तक का लग चुका है। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चल रहा है इस आईपीओ के अंदर और रिटेल भी इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। करीब करीब 1 टाइम इसके अंदर करीब करीब सब्सक्रिप्शन आ चुका है और 70 करोड़ तक का अमाउंट रिटेल का भी लग चुका है। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चल रहा है इस आईपीओ का, आज सेकंड डे है, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आईपीओ भी अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। ओवरऑल अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 57% फर्स्ट डे आईपीओ फुली वर्थ सब्सक्राइब हो चुका है और अमाउंट भी 235 करोड़ का लग चुका है। चलो इस आईपीओ का भी क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक भी बात करें। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड आईपीओ की डे बाय डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज 21 सितंबर 2023 और इस आईपीओ के अंदर आज के डेट में देखा जाए तो करीब करीब 385 रुपये भी आईपीओ आया हुआ है और उसके ऊपर देखा जाए तो करीब करीब 419 रुपये भी आईपीओ ट्रेड करें, यानी करीब करीब ये आईपीओ के अंदर आज के डेट में 34 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट देखने को मिला। ज़बरदस्त ये आईपीओ चलने वाला है और करीब करीब 8 से 9% तक की इसके अंदर हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। उम्मीद की जा रही इस आईपीओ के अंदर भी हमको 20 से 30% की प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी आईपीओ का आज सेकंड डे है और थर्ड डे अक्सर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का रहता है, तो आखिरी दिन जितना सब्सक्रिप्शन आता है उससे मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ये लिस्ट हो सकता है। फिलहाल चलो देखते हैं, जैसे भी रुझान रहा डे बाय डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात कर रहे हैं एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में, नाम है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ। अगर इसकी डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ भी 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 27 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज़ हो जाएगा। कंपनी जो ला रही है अपना आईपीओ फेस वैल्यू 2 रुपये पर लेके आ रही है और आईपीओ की जो प्राइस रखा गया है करीब करीब 103 रुपये से 119 रुपये के बीच में रखा गया है। सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो हाईएस्ट प्राइस ब्रेंड है 190 रुपीज़, इसके ऊपर ही सब्सक्रिप्शन लें जिसपे ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। एक लॉट के अंदर 126 शेयर्स रखे गए हैं और टोटल इशू साइज़ करीब करीब उम्मीद की जा रही है
2500 से 3000 करोड़ का ये आईपीओ है। और देखा जाए तो इसके अंदर फ्रेश इशू भी 2800 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और लिस्ट बात करेंगे लिस्टिंग की, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा बीएससी एनएससी पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि मेन बोर्ड ये आईपीओ जो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। और साथ साथ में बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में, तो क्यूआईबी इसका जो कोटा रखा गया है 75% कोटा QIBs को दिया गया है, सबसे ज़्यादा HNIs को 15% दिया गया है। और रिटेल को, हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल को इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% कोटा दिया गया। चलो आईपीओ के और क्या अपडेट है वो देख लेते हैं, उससे पहले हम चैनल को लाइक भी करें। जे एस डब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ की डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज 21 सितंबर 2023 और इसके अंदर अभी भी हमको करीब करीब 11 से 12% तक की तेज़ी देखने को मिली है। ज़बरदस्त ये आईपीओ आने वाला है। और आईपीओ की प्राइस जो है 119 रुपया हाईएस्ट प्राइस बैंड रखी गई है, और 133 रुपीज़ पर यह आईपीओ फिलहाल ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी ये कह सकते हैं करीब करीब 14 रुपये का हमको इसके अंदर आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, और करीब करीब 12% तक की तेज़ी देखने को मिली। अक्सर वीडियो में बताता हूँ कोई आईपीओ का 10 से 15% पर लिस्ट होता है उसको अच्छी लिस्टिंग मानी जाती है, और जो आईपीओ 40 से 50% पर लिस्ट होता है वो बम्पर लिस्टिंग देखी जाती है। इस आईपीओ के अंदर भी हमको अच्छी लिस्टिंग देखने की उम्मीद है, उम्मीद की जा रही है इस आईपीओ के अंदर भी हमको 20 से 30% के प्रीमियम पर लिस्ट होने की उम्मीद है। आईपीओ स्टार्ट होगा, सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा, जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं, उससे पहले इसका सब्सक्रिप्शन को समझ लेते हैं। बात करेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के अंदर, तो करीब करीब 16 से 17 टाइम तक का इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया, और अमाउंट भी 2862 करोड़ तक का अमाउंट भी देखने को मिला। बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, तो करीब करीब 9 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, और अमाउंट भी 774 करोड़ तक का अमाउंट भी देखने को मिला। जो अबाव 10 लाख थे, जो बिलो 10 लाख थे, वो भी इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लिए हुए, और ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया 10 टाइम, और करीब करीब 6 से 7 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। इसी के साथ में बात करेंगे रिटेल की, हम जैसे आप जैसे जो रिटेल थे, रिटेल इन्वेस्टर भी 6 टाइम फुल्ली वर सब्सक्राइब हुआ, और 346 करोड़ तक का अमाउंट भी लगाया। ओवरऑल अगर टोटल सब्सक्रिप्शन आज के डेट में देखा जाए तो 12 से 13 टाइम तक का इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया, और अमाउंट भी करीब करीब 3983 करोड़ तक का अमाउंट भी लगाया। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चला इस आईपीओ में। चलो इस आईपीओ का आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं, उससे पहले चैनल को लाइक भी करें। जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड आईपीओ की डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज 21 सितंबर 2023 और आज इस आईपीओ की प्राइस देखा जाए तो 164 रुपये के हाईएस्ट प्राइस बैंड पे ये आईपीओ आया था, 178 रुपीज़ फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, 14 रुपये का ये आईपीओ हमको आज के डेट में प्रॉफिट देखने को मिला, करीब करीब 8 से 9% तक की तेज़ी देखने को मिली। नहीं कह सकते 5 से 10% पे फिलहाल ये आईपीओ चल रहा है। उम्मीद की जा रही है आईपीओ का अलॉटमेंट भी होने वाला है, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन इसके अंदर देखने को मिला, और अब इस आईपीओ के अंदर उम्मीद की जा रही है अच्छी लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी। जैसा रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो।